जयनगर थाना क्षेत्र के कमलावांगी गोठ गांव के वार्ड नंबर 10, 11, 12 में पिछले 4 महीना से रास्ते पर जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में हो रही कठिनाइयों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रामीणों के द्वारा पत्राचार करने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं करने को लेकर ग्रामीणों ने आज दिनांक 23 जून 2021 को समय सुबह 07 बजे से जयनगर के कमलावांगी गोठ गांव स्थित NH-227 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि NH-227 निर्माण को लेकर गांव में प्रवेश करने वाली संक नीचा हो गया है, जिस कारण गांव की संक व दर्जनों घरों में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों ने बताया कि जल निकासी व नाला निर्माण को लेकर पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण जमे पानी से पूरा इलाका हवा के साथ प्रदूषित वातावरण हो रहा है। लोगों ने बताया कि एक ओर पूरा देश कोरोना महामारी को लेकर परेशान है, वहीं जल जमाव के कारण दूसरी महामारी फैलने की आशंका से ग्रामीण भयभीत हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पथ निर्माण मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद। हम लोग माने लगभग 5 महीना पहले से इस अभियान को चला रहे हैं, बाइक लेटर लिख करके सीतामढ़ी दिए NH को, उसके बाद मुख्य अभियंता वहाँ पटना दिए, यदि भारत सरकार को भी दिए, और बाध्य हो करके हम लोग जो DM को और क्या बोलते हैं SDO को जयनगर दिए हैं। क्या दिक्कत हो गई जो आप लोग रोड जाम कर रहे हैं? घर में पानी घुस गया है। क्या चीज़? बरसात के पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं बचा, उसके चलते हम लोग मैंने बार बार बोलते हैं कि कम से कम आप लोग नाला निकाल दीजिए, तो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। उसके बाद एक बार बात हुई NH विभाग के जो कंस्ट्रक्शन के हैं PM, उनसे बात हुई तो वो कहे कि हम कच्चा नाला निकाल देंगे, तो कच्चा नाला भी थोड़ा शुरुआत किया और उसके बाद छोड़ दिए हुआ है। और अब तक हम लोग परेशान होकर के लास्ट उपाय किए कि दे दिए हैं लिखित में कि हम लोग कभी भी अवरुद्ध कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग अब अवरुद्ध किए हैं। उसके बारे में आप आगे क्या कहें? शिव नारायण चौधरी। सारा जाम इसलिए है कि हमारे कमलावारी पंचायत की आबादी लगभग 3,000 से ज़्यादा है, और इस ग्राम में मुख्य सड़क 3 है, और तीनों सड़क पर 2 फीट से 3 फीट तक पानी हर बारिश में लगते हैं। इसलिए इसको अक्टूबर से लेके अभी तक DM, CM और सभी उच्च पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, और वो अभी तक इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से व्याकुल होकर के या हम लोग कुंठित होकर के आज सड़क जाम कर रहे हैं। जब तक CO, BDO और मजिस्ट्रेट हमको लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे रहेंगे। क्या सुनना होगा? मेरा नाम बद्री नारायण चौधरी हुआ है, मैं कमलावारी पंचायत बेली पूर्वी से निवासी हूँ। देखिए, यहाँ इस गांव में जब से NH बनने का काम चालू हुआ तब से इतना ऊँच किया गया रोड, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ जानकार पर, लेकिन इसका समाधान पहले निकालना चाहिए था। बार बार लिखित दिया गया है, जो लिखित रिसीविंग मैं आपको सुपुर्द करूँगा, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से पटना तक लिखा गया है, जिसका रिसीविंग मेरे पास है, यहाँ जनता के पास है। अब इतना देखिए, पूरा गांव डूबा हुआ है, महिलाएं बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, माल मवेशी नहीं निकल पा रही है, इसमें कैसे होगा? बाध्य होके रिसीविंग में इतना लिखित के बाद भी नहीं किया प्रशासन, इसलिए ये अवरुद्ध किया गया है। और ये जब तक लिखित रूप में नहीं मिलेगा, आश्वासन नहीं मिलेगा, काम चालू नहीं होगा, तब तक ये रोड जाम रहेगा। क्या नाम हो जाता? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, मैं अखिल भारतीय निर्माण मजदूर यूनियन का चेयरमैन हूँ।